Well, I am Rajveer, a research and development engineer, currently working in Synopsys. Today, I will be showing you the complete working day of a VLSI engineer. And since this is a VLSI engineer ka vlog, hai, to technical baatein to hongi hi. Mere din ki usual shuruaat to dekhi li hogi aap sabne. Koi fascinating shuruaat nahi hoti hai. Just ek simple sa day start hota hai mera with tea. Tea is my everyday goal. To yaar, main 8 baje utha tha aur ye sab karte 9:30 ho gaya hai. So now I will be going to my laptop. As every other corporate employee, सबसे पहले मैं mail checks करूँगा. फिर मैंने पिछली रात जो regression runs लगाए थे, since I am a design and verification engineer, so जो भी मैं task कर रहा होता हूँ उससे related runs मैं पिछली रात को लगाता हूँ और उनके results देखूँगा. अगर कोई failure होगा तो उन्हें fix करेंगे और अगर सब सही आ गया होगा तो अगले task पे move on कर जाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप VLSI engineer as a fresher join करते हैं, तो सिंस दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, तो स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे आसान आसान से काम दिए जाते हैं. बट एज सून एज योर लेवल इज अप, योर एक्सपर्टीज इंक्रीजेस एंड यू स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लेक्स वर्क एज वेल, समटाइम्स पैरेलल वर्क्स एज वेल. सिंस आई हैड कंप्लीटेड माई 2 years इन द VLSI इंडस्ट्री, सो यूजुअली आई हैव वन कॉम्प्लेक्स वर्क विच रिक्वायर एडवांस VLSI नॉलेज, एप्टीट्यूड, SDL कोडिंग एटसेट्रा एंड फ्यू ईजी टास्क लाइक regression run, analysis of regressions, fixing the small failures, making the design document, etc. So, like complex or easy task का एक parallel combination रहता है मेरे पास in general. तो यार अभी मुझे कुछ failures दिखे उस काम में जिसमें मैं already progressed हूँ, तो अभी उस पर मुझे काम करना रहेगा. और साथ ही साथ यार team meetings भी scheduled हैं, आगे के task के लिए roadmap भी ready करना है. So, I am just going to my work. मिलते हैं just before lunch. तो यार काम करते करते 1 बज गया है और मैंने जो मुझे कुछ फेलियर्स दिखे थे मेरे पुराने वर्क पे, वो मैंने दूर किए, फिक्स किया और उसको अपडेट करके रन दिया है. तो आई होप अब रिग्रेशन में कोई नया फेलियर मुझे नहीं मिलेगा एंड आई कैन मूव ऑन टू माय नेक्स्ट टास्क. सो एज सून एज यू आर डन विद प्रीवियस वन, वी विल मूव अहेड. और यार अभी मुझे लग रही है बहुत तेज से भूख, तो मिलते हैं जस्ट आफ्टर लंच. Now it's 2:15 PM and second half of the work. अभी वो UVM error से पल्ला छुड़ाया तो थोड़ी सी रिलैक्स फीलिंग है, लेकिन हाँ आगे के भी काम पे मूव ऑन करना ही है. अब मैं अपने नए टास्क के स्टार्ट फेज में आ गया हूँ. अब मैं उसकी प्लानिंग करूँगा, उसके लिए क्या रीड करना है, क्या कोड करना रहेगा और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी प्लानिंग करनी रहेगी. उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना रहेगा बेसिकली मुझे. अब यहाँ कंपनी में मैं क्या काम करता हूँ वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता. लेकिन हाँ, जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट करने का एक इन जनरल फ्लो कैसा होता है,
थोड़ी सी बात हम उस पर जरूर करेंगे, और जो हम थोड़ी सी बात करेंगे उससे रिलेटेड, उससे आप एक एनालॉजी बना सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हमें करना है या कोई भी काम करना है तो उसका एक रोड मैप, एक वे ऑफ डूइंग दैट वर्क कैसा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार लेट सपोज आपने अपने बीटेक फाइनल ईयर में या एमटेक फाइनल ईयर में रिस्क 5 रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर रिस्क 5 से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट फाइनल किया, तो अभी वो प्रोजेक्ट कैसे मूव अहेड होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो रिक्वायर्ड फंडामेंटल्स हैं लाइक वेरीलॉग, इनकी थोड़ी सी समझ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप रिस्क 5 क्या है, पाइपलाइन, लेटेंसी, रिस्क 5 से रिलेटेड बेसिक्स ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग फेज ही आएगा, फिर आप एक रिलेटेड VLSI कोड देखेंगे कि FSM या फिर पाइपलाइन आर्किटेक्चर को कोड करने का एक जनरल वे क्या होता है या कैसे करके हमें कोड लिखना है या क्या कोडिंग स्टाइल होनी चाहिए जिससे कि एक अच्छा कोड आप लिख पाएं। इसके बाद आप एक आर्किटेक्चर बनाएंगे कि भाई कहाँ पे मार्क्स यूज होगा, कहाँ पे सीक्वेंशियल एलिमेंट्स लगेंगे, कहाँ पे कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ाइन। देखिए डिज़ाइन तो कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल एलिमेंट्स से ही बनना है, तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज करनी है उसका एक आर्किटेक्चर बनाना होगा जिससे कि आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को कोड कर पाएं और फाइनली सबको एक साथ मर्ज करके अपनी डिजाइन रेडी कर पाएं। और उन फंडामेंटल ब्लॉक्स की कोडिंग कैसे होती है ये आपको आना चाहिए वेरीलॉग में, सिंस आप उन सबको अकेले इंडिविजुअली कोड करें और फिर उन्हें कनेक्ट कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सब आप वेरीलॉग जो SDL लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसमें आपको सिखा दिया जाता है कि कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। अब डिज़ाइन लिख ली है लेकिन क्या पता वो कैसी चल रही है, तो उसके लिए आपको उसका वेरिफिकेशन करना होगा, उसके लिए आपको एक साइड से इनपुट प्रोवाइड करना होगा, दूसरी साइड कुछ ऐसे मैकेनिज्म तैयार करने होंगे जो कि आपको बता के दे सकें कि हाँ डिज़ाइन सही चल रही है या नहीं। आप वेव फॉर्म्स में जाके देख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे चेक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने डिज़ाइन की करेक्टनेस पता चल सके। उसी को फंक्शनल वेरिफिकेशन बोलते हैं, दैट इज़ वेरी ब्रॉड फील्ड, तो यार उसके लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये जस्ट मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ऊपर से। और इस वेरिफिकेशन के साथ, इन सारे स्टेप्स के साथ आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अ जनरल फ्लो ऑफ अर डिज़ाइन, मतलब फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए। उसके बाद बैकएंड की जो कहानी होती है उस पर मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके भी मैंने बेसिक्स पढ़े थे एमटेक में। बाकी जो मैंने एक्चुअल काम किया है वो फ्रंट एंड पे किया है, तो मैं उसका जो फ्लो होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये बोलते बोलते 2:30 बज गया है, तो लेट्स कैच अप आफ्टर माय वॉक। इट्स 5:45 गाइस, पूरी रीडिंग और प्लानिंग तो नहीं हो पाई मेरे टास्क की, मेरे न्यू टास्क की, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का बना लिया है मैंने कैसे करना है, और सब एक ही दिन में नहीं करना होता है, इतना भी कोई आफत नहीं रहती, आपको एक प्रॉपर टाइम मिलता है करने के लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक वेल सुटेड टाइम आपको मिलता है। तो मैंने प्लानिंग करी, अब जितना आज कर लिया उतना कर लिया, अब आगे का काम कल होगा। फिलहाल तो ये VLSI इंजीनियर सुबह 9:30 से थक गया है काफ़ी, तो अभी यार बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर वॉक, और फिर रात में लौट के अगर मेरा मन करेगा तो मैं यूट्यूब से रिलेटेड काम करूँगा, अदरवाइज मैं यूट्यूब से रिलेटेड काम वीकेंड्स पे ही करता हूँ। हाँ हालांकि ये डे इन द लाइफ ऑफ VLSI इंजीनियर दिखाना था तो इसके लिए मुझे वर्किंग डे पे थोड़ा थोड़ा टाइम करना पड़ा। सो दैट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ VLSI इंजीनियर।